अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो आज भी ईश्वर उनको शतायु करे, आज भी वे पूरे तरीके से जनता की लड़ाई लड़ते रहे। अभी स्मार्ट सिटी के मामले में इन्होंने पीआईएल लगाई हुई है, जिसमें कि स्मार्ट सिटी केवल एक दिखावा है। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री जी भी, मैं नहीं समझता कि स्मार्ट सिटी का क्या उद्देश्य है और क्या उसमें फायदा पहुंचेगा, ये बड़ी एक अभी भी इसमें बहुत तस्वीर साफ नहीं है। उसमें उन्होंने कहा है, उदाहरण के लिए इंदौर की जनसंख्या लगभग 25 लाख है और स्मार्ट सिटी केवल 1.25 लाख में है, और इस 1.25 लाख के लिए सैकड़ों करोड़ हजारों करोड़ खर्च किए जाएंगे और बाकी के लिए नहीं किए जाएंगे, क्या मतलब है? और जो इलाका लिया गया है वो ओल्ड कंजेस्टेड एरिया है, जबकि स्मार्ट सिटी के जो गवर्नमेंट के जो एक ब्लूप्रिंट है उसमें ओल्ड जो हैबिटेशंस हैं उसको नहीं लेना है। फिर भी इंदौर जैसे शहर में अब मछली बाजार है, पुराना सराफा है, बड़ा सराफा है, ये वो कंजेस्टेड एरियाज हैं कि इसमें स्मार्ट सिटी आसानी से संभव नहीं होगा जब तक कि आप लोगों के मकान नहीं तोड़ो। अब कई मकान तो ऐसे रह गए टूटने के बाद 5 फुट बाय 10 फुट रह गया, उन लोगों को 15-15 किलोमीटर जाके बसाया गया है। ये कैसी स्मार्ट सिटी जो आप रोजी रोटी लोगों की छीन रहे हो? तो इस पर माथुर साहब से चर्चा हुई है, चर्चा करने के बाद अब सरकार कुछ निर्णय ले। आप बहुत बेहतर तरीके से मध्य प्रदेश और इंदौर की तासीर को पहचानते हैं, अब तक जिस तरह से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर काम हुआ है उससे आप कितने संतुष्ट हैं, क्योंकि प्रभावितों की संख्या भी कम नहीं है? देखिए, स्मार्ट सिटी एक बात है, डी कंजेशन दूसरी बात है, तीसरी बात है साफ सफाई। मूल रूप से मैं इस बात के लिए तो मैं बधाई दूंगा इंदौर के नगर निगम के, उन्होंने साफ सफाई के अंदर स्वच्छता में नंबर एक पहुंचे, लेकिन जिस प्रकार से गरीबों के मकानों की तोड़फोड़ की है बिना मुआवजे के, हम उसके साथ नहीं है। अभी मुझसे मछली बाजार के लोग मिले, अब मछली बाजार के प्रकरण में नगर निगम ने 1 करोड़ तो वकीलों को दिया है। अरे 1 करोड़ वकीलों को देने के बजाय अगर ये उनको मुआवजा दे देते तो राजी खुशी भी लोग तोड़ लेते। ये थोड़ी सी संवेदनहीनता की परिकाष्ठा अगर आपको देखना है तो भाजपा सरकार थी। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखें कि अभी भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर बढ़ चढ़कर बातें बताई जा रही है, एक तरह का 5-स्टार प्रोजेक्ट बताया जाता है। 5-स्टार का मतलब है बड़े लोगों के लिए। आज यही अगर पैसा, लोगों का सीवेज, ड्रिंकिंग वाटर, आपका आपका जो ट्रैफिक स्लम्स के अंदर 640 अब इलीगल कॉलोनीज, अब इलीगल कॉलोनीज का इतना बड़ा मुद्दा है, सरकार ने उस पर ध्यान दिया नहीं। इलीगल कॉलोनी बन गई, लोगों ने मकान बना लिए, इलीगल कॉलोनी डेवलप करने वालों के लोग जो है अरबपति हो गए। आज परेशान कौन है? वो सारे लोग जिनका इलीगल कॉलोनी में है, उनको उनकी दिक्कत परेशानियां है। तो बेसिक जो बातें हैं, रेगुलराइजेशन ऑफ इलीगल कॉलोनीज, सुवेज डिस्पोजल, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ट्रैफिक कंजेशन, इन पर। अब कल रात को हम एक शादी में गए, अब एक रास्ता आने का, एक रास्ता जाने का, और 3 मैरिज हॉल। वहां पे शादी का ये हाल है कि वहां तो लोग पैर नहीं रख सकते थे, मुझे करीब 1.5 किलोमीटर तो पैदल चलना पड़ा। हमको तो पहले चलने मजा आता है तो इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनका क्या हाल होगा जो बेचारे बुड्ढे लोग थे, परेशान हुए। तो ट्रैफिक के मामले में गाड़ियां बढ़ती जा रही, एक घर में जहां मोटरसाइकिल होती थी आज 5-5 गाड़ियां हैं। तो इन सब चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें।